हेलो वंस अगेन, वेलकम गाइस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट के लिए लॉगिन फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी HTML में लॉगिन फॉर्म। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आप इजी वे में इसको क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही इजी पड़ेगा आपको, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको HTML एंड CSS नहीं आती है तो उसका थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप नहीं क्रिएट कर पाओगे। और HTML और CSS का नॉलेज लेने के लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट बहुत सारी मिल जाएंगी। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप W3 स्कूल विजिट करो, वहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा अच्छा खासा। अदरवाइज आप मेरे से इस वीडियो के नीचे रिक्वेस्ट कर देना, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। बहुत ही ईजी है HTML एंड CSS सीखना। सो अभी ये है, एक स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कलर जो है एक सेम है, और यहाँ पे ब्लैक कलर का एक बॉक्स है। टोटल इस बॉक्स की डिज़ाइनिंग करनी है आपको और कुछ नहीं करना। और इस पे ये ऑन हावर इसका वो कलर चेंज हो जा रहा है, उसके बाद ये लॉगिन पे ऑन हावर इसका इसका भी सेम वही ऑन हावर चल रहा है फंक्शन। सो हम इन दोनों को साथ में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और लॉगिन बटन पे ऑन हावर ये पॉइंटर पे चेंज हो जा रहा है कर्सर, एंड ये पूरा बॉक्स है पूरा, इसकी डिज़ाइनिंग करके देखते हैं अभी। सो अभी ये मेरे पास दो फाइलें हैं, एक इंडेक्स एंड एक स्टाइल शीट, एंड इसका ये जो लाइव प्रीव्यू ऑन हो रहा है, तो अभी लाइव प्रीव्यू ऑन करके देखते हैं हम। ये लाइव प्रीव्यू पे जाएंगे आप, तो यहाँ से ये लाइव सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप इस कोड एडिटर का यूज़ करके आप सीधे देख सकते हैं कि आपका चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। बेसिकली ये कोड एडिटर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, जो मैं यूज़ करता हूँ। ये एक एडवांस लेवल कोड एडिटर है। सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप सबलाइम या फिर ब्रैकेट कोड एडिटर पे जा सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवांश, और यहाँ पे हम देखेंगे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हम इस पर डिजाइनिंग करेंगे पूरा। तो डॉक टाइप HTML एंड डॉक टाइप HTML के बाद HTML स्टार्ट होगा और HTML क्लोज होगा। तो HTML इस सॉफ्टवेयर का यूज करने का एक बेनिफिट है कि आपको ओपन क्लोजिंग नहीं लिखना पड़ेगा, ये खुद ही अपने आप काम कंप्लीट कर देता है, पर ये आपको आलसी भी बनाता है, तो इस बात से आप बच के रहिएगा। तो यहाँ पे हम टाइटल इसका एक रैंडम सा टाइटल ले लेते हैं अभी। टाइटल पे ले लेते हैं टेक्निकल ट्रिक्स लॉगिन, टेक्निकल ट्रिक्स लॉगिन। सो अभी हम इसका टेक्निकल ट्रिक्स लॉगिन ले लेते हैं, एंड उसके बाद हम इसका टाइटल हो गया। अब इस पे इस स्टाइल शीट को लिंक कर लेते हैं, इस स्टाइल शीट को, जहाँ से पूरा इसका स्टाइलिंग होगी, स्टाइल कोडिंग होगी। सो यहाँ पे हम एल एल 1 मिनट, शिफ्ट LINK, लिंक लिंक, और उसके बाद स्टाइल रेफरेंस, रेफरेंस मेरे क्या रहेगा, रिलेटेड रिलेटेड STYLE स्टाइल सीट, स्टाइल सीट, एंड उसके बाद हाइपर लिंक एंड STYLE.css। सो ये अभी मैंने अपनी स्टाइल सीट को लिंक कर लिया है। अब इसके बाद हम इसका बॉडी बना लेते हैं, बॉडी टैग BODY, BODY बॉडी, एंड बॉडी ओपन क्लोज। यहाँ पे बॉडी ओपन क्लोज हो गया। बस अब इतना बनाने के बाद आपको एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट कर लेना है। अब फॉर्म क्रिएट करोगे तो फॉर्म पे कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, लाइक एक्शन। तो फॉर्म का एक्शन का मतलब वो फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या इस पे एक्शन क्रिएट होगा। सभी हम एक होस्टिंग वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, लाइक आपको पता होगा कि एक होस्टिंग वेबसाइट है, या फिर बहुत सारे लोग मेरे से जो जुड़े हैं वो होस्टिंग की वजह से जुड़े हैं। सो अभी हम देखेंगे कि इस पे ये लॉगिन करने के बाद क्या क्लाइंट लॉगिन पे पहुंच जाता है। सो अभी रैंडम सा मैं एक डालता हूँ यहाँ पे लॉगिन के लिए, और ये रैंडम है तो इसका मतलब ये गलत है, तो वहाँ पे जब जाएगा तो लॉगिन तो होगा नहीं, पर आपको एक आइडिया तो हो जाएगा कि ये यहाँ पे देखिए लॉगिन डिटेल इज इनकरेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन। सो अभी ये इनकरेक्ट डिटेल है, पर ये कनेक्ट हो गया। तो अभी इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, सो एक्शन पे मैं लिख देता हूँ अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग। आप अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं योर डोमेन नेम, सो जैसे अभी मैंने प्रो होस्टी लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद आप अपना डोमेन नेम, और उसके बाद क्लाइंट एरिया का URL, मतलब क्लाइंट एरिया आपका कहाँ पे है। सो कुछ लोग का होम पेज से ही रहता तो आप सिंपली डाल सकते हो। और उसके बाद डू लॉग इन, डू लॉग इन डॉट PHP। सो कितना सिंपल है ये सब, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम मैथड ले लेंगे, मैथड METHOD, मैथड मेथड पे पोस्ट लेंगे, पोस्ट इसलिए लेंगे क्योंकि जो
हम लोग का जो सॉफ्टवेयर होता है वो पोस्ट मेथड को ही गेट करता है। यहाँ पे हम फॉर्म को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे ये फॉर्म का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। सो अभी हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे H1 टैग लेंगे जहाँ पे हम लॉगिन लिख देंगे, क्योंकि ये लॉगिन फॉर्म है तो उसका हेडिंग होना चाहिए। अब इसके बाद लॉगिन फॉर्म लिखने के बाद अब हम इस पे एक इनपुट टैग डाल देंगे, इनपुट टैग। सो इनपुट टैग क्या डालेंगे, उसका टाइप दे देंगे कि ये किस टाइप का इनपुट टैग है। तो टाइप में टेस्ट दे देंगे हम, यहाँ पे हम टेस्ट लेना चाहेंगे, एक क्लाइंट्स यहाँ पे टेस्ट अपना इंटर कर सके। और वो टेस्ट क्या हो उसका नेम दे देंगे। सो अगर आप WHMCS के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे नेम इक्वल टू यूज़र नेम होना चाहिए आपका, नेम इक्वल टू यूज़र नेम। अगर आप WHMCS के लिए बना रहे हो तो ध्यान रखना कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज वो लॉगिन पे काम नहीं करेगा। सो नेम इक्वल टू यूज़र नेम, एंड उसके बाद प्लेस होल्डर आता है एक एट्रीब्यूट। प्लेस होल्डर बेसिकली यूज़ किया जाता है कि इस इनपुट टैग में क्या प्लेस किया जाएगा उसका एक डेमो। सो अभी मैं प्लेस होल्डर ले लेता हूँ, एंड प्लेस होल्डर पे मैं डाल देता हूँ यूज़र नेम, यूज़र यूज़र नेम। सो ये हो गया प्लेस होल्डर पे यूज़र नेम, एंड फिर इस इनपुट टैग को क्लोज कर देते हैं। अब एक हो गया लॉगिन का यूज़र नेम का इनपुट टैग। अब दूसरा ले लेते हैं हम लोग एक और इनपुट टैग, INPUT इनपुट टाइप। अब यहाँ पे जो है वो पासवर्ड रहेगा टाइप, बिकॉज अब पासवर्ड भी हम यूज़र से ले लेंगे, तो और नेम भी इसमें पासवर्ड ही रहेगा। याद रखिएगा ऊपर वाला नेम यूज़र नेम रहेगा और नीचे वाला नेम पासवर्ड रहेगा, और प्लेस होल्डर पे भी पासवर्ड ही रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे क्लाइंट से पासवर्ड पूछेंगे। और उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। अब एक और इनपुट ले लीजिए जिस पे आप सबमिट बटन लगाएंगे। सो इनपुट टाइप क्या रहेगा इसका, सबमिट रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम सबमिट बटन लगाएंगे। सो यहाँ पे टाइप सबमिट, एंड उसके बाद सबमिट के बाद सबमिट के बाद इसमें प्लेस होल्डर नहीं रहेगा, इसमें वैल्यू रहेगी क्योंकि ये बटन रहेगी, उसका वैल्यू क्या रहेगा, लॉग इन एंड देन क्लोज। सो अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अपने जो लाइव सर्वर रन कराए थे उसको रिलोड करके देखेंगे। सो यहाँ देखिए टेक्निकल ट्रिक लॉगिन, और ये लॉगिन का फॉर्म आ चुका है, और ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं है, अभी इसकी डिज़ाइनिंग कुछ हुई नहीं हुई है। सो अभी मैं लॉगिन करके देखता हूँ कि क्या ये कनेक्ट कर रहा है अपने WHMCS या फिर अपने सॉफ्टवेयर से। सो अभी देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है साथ में, और ये एरर भी दे रहा है कि अभी ये लॉगिन करेक्ट नहीं है। सो अभी हम इसको फिनिश करते हैं डिज़ाइनिंग के थ्रू। सो अभी हम इसके बॉडी टैग को सेलेक्ट करते हैं, बॉडी को। सो अभी मैंने बॉडी को सेलेक्ट कर लिया और इसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी। सो अभी बॉडी पे मैं मार्जिन तो कुछ भी नहीं रखने वाला हूँ। सो मार्जिन मैं दे देता हूँ 0%, एंड पैडिंग भी 0 दे देता हूँ क्योंकि बॉडी पे कोई भी मार्जिन पैडिंग नहीं छोड़ना, अदरवाइज वो एक स्पेस क्रिएट कर देगा। अब इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, एंड बैकग्राउंड कलर में बेस्ट रहेगा कलर 30। एक बार हम इसके कलर को चेक कर लेते हैं, बिकॉज कलर कोडिंग तो सबको याद रहती नहीं, सो मेरे को भी नहीं याद, पर कुछ कुछ याद है हल्की फुल्की। सो इसके बॉडी पे आ जाते हैं, ये कलर है 3-4, तो एक बार कट करते हैं इसको। कट करने पर ये पूरा ही वाइट हो गया। सभी इसके कलर को लगा लेते हैं यहाँ पे। सो गाइज ये कलर कोड लग चुका है। अब इसकी फॉन्ट चेंज कर देते हैं क्योंकि ये फॉन्ट मेरे को पसंद नहीं आती बाई डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। तो फॉन्ट फैमिली आप अपने हिसाब से डिफरेंट फॉन्ट फैमिली दे सकते हो, पर मैं जो यूज़ करता हूँ वो ये यूज़ करता हूँ जो मेरे को काफ़ी प्यारी लगती है फॉन्ट। सो अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या कुछ हुआ हम लोग के फॉर्म के साथ। तो ये देखिए कलर वगैरह बन गया। अब हम इस चीज़ को डिज़ाइन करेंगे। इस चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए हमको अपने फॉर्म पे एक क्लास देनी पड़ेगी। सो अभी हम इस पे क्लास दे देते हैं, क्लास इज इक्वल टू, तो अब इस क्लास का नाम क्या रख लेते हैं, कोई अच्छा सा नाम। तो नाम पे तो यार क्या रखते हैं, टेक्निकल ट्रिक्स TT बॉक्स, क्या यार TT बॉक्स, चलिए अच्छा लग रहा है नाम, तो TT बॉक्स ही रख लेते हैं इसका नाम। अब इसकी डिज़ाइन शुरू करते हैं। बेसिकली जो भी डिज़ाइनिंग होगी इस TT बॉक्स पे ही होगी क्योंकि ये पूरा फॉर्म है, और इस बॉक्स की हम विड्थ वगैरह सेट कर लेते हैं अभी, TT-बॉक्स। अभी TT बॉक्स की डिज़ाइनिंग करते हैं हम। सो ये TT बॉक्स पे सेलेक्ट कर लेते हैं हम, काफ़ी प्यारा नाम लग रहा है TT बॉक्स।
अभी हम टीटी बॉक्स की डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी विड्थ दे देते हैं, विड्थ एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बिकॉज मेरी एक बार रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। थैंक टू कैमटेसिया कि वो बार बार रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। काफ़ी अच्छा लगता है, मेहनत करो और उसके बाद रिजल्ट जीरो आया। तो अब इसके बाद इसकी पैडिंग दे देते हैं, इस बॉक्स की पैडिंग दे देते हैं, 40px। एंड पैडिंग देने के बाद अब इसकी पोजीशन को डिफाइन कर लेते हैं, मतलब पोजीशन कैसे रहेगी भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। इसको कंट्रोल एस करते हैं, देन सेव करते हैं। तो देखिए कुछ अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत। अब इसकी जो पोजीशन है वो बीच में ले जाते हैं, सब इसकी पोजीशन सेट कर लेते हैं। तो पोजीशन पोजीशन में एब्सोल्यूट दे देंगे, एब्सोल्यूट LUTE एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन देने के बाद अब इसको टॉप से और लेफ्ट से अरेंज कर लेते हैं। तो टॉप से 50% एंड लेफ्ट से भी 50% दे देते हैं, लेफ्ट 50% एंड CSS को मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया, सभी मैंने कर दिया क्लोज। और इसका वो कर देते हैं ट्रांस। गाइज इसको बस स्किल ध्यान से देखिए आप और इसको फॉलो करते रहिए, मतलब जैसे आप स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको नहीं आता था जैसे मैं मजे पे बस कोडिंग करता जा रहा हूँ, मेरे कई सारे दोस्त हैं उनको भी कोडिंग नहीं आती तो वो बोलते हैं क्या करता रहता है भाई तू पूरे दिन। तो आप भी बस ये सोचो कि अभी आपको ये चीज़ आती नहीं है तो आप सीधे इसको मजे मजे में टाइप करते जाओ, जो मैं टाइप कर रहा हूँ उसी को आप कॉपी पेस्ट करते जाओ। काफ़ी लोगों को ये काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा, बिकॉज उनको नहीं आता तो उनको बोरिंग लगेगा, पर आप जब करोगे तो कितना मज़ा आता है, जितना मुझे मज़ा आ रहा है वैसे आपको भी मज़ा आएगा ये सब टाइप करने में। और आपको एक बार जब कर लोगे तो फटाफट आप टाइप कर पाओगे। सभी इसका बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं इस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर। सो बॉक्स में बेसिकली ब्लैक रहेगा, तो ब्लैक का कोड होता है 1919। तो ब्राउन हो चुका है हल्का, और एक बार और 19 कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही 19 हो गया, छोड़ो। तो अभी यहाँ पे हम बॉक्स का कलर ले लिए, अब एक बार चेक कर लेते कि क्या कैसे ये दिख रहा है, कितना खूबसूरत बॉक्स दिख रहा है। सो अभी देखिए इसकी पोजिशनिंग लगभग लगभग अप्रॉक्स सेम हो चुकी है इससे, पर ये थोड़ा हाइट ज़्यादा है, वो हाइट अरेंज हो जाएगा अभी। पर अभी ये बॉक्स एकदम मिडिल पे आ चुका है जहाँ पे हमको चाहिए, और यहाँ पे हम मिडिल कंपाउंड होल्ड करेंगे पबजी की तरह, और यहाँ पे फिर डिज़ाइनिंग करेंगे बैठ के मिडिल कंपाउंड को होल्ड करके। तो अभी ये जो टेस्ट है उसकी अलाइनमेंट देखिए आप, ये जो टेस्ट है इसकी अलाइनमेंट देखिए, ये एक साइड में है तो हमको इसका सेंटर पे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी जितने भी टेस्ट हैं वो सेंटर पे हैं, सारी चीज़ें सेंटर पे हैं। सो अब यहाँ पे हम एक CSS टाइप कर देते हैं, टेस्ट अलाइनमेंट सेंटर, बस बहुत ही सिंपल था, टेस्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दिए हम। और इसके बाद जो भी कोडिंग करनी है आप इसी TT बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर जो TT बॉक्स के अंदर, अभी मैं आपको समझा भी देता थोड़ा सा। तो ये फॉर्म क्या है, ये क्लास है TT बॉक्स, और इसके अंदर ये इनपुट है, इसके अंदर H1 टैग है, और इनपुट भी कई प्रकार के हैं जिनके टाइप टेस्ट पासवर्ड और वो है सबमिट है। तो अब इसको भी डिज़ाइन करेंगे हम वन बाई वन, सभी देखते हैं। हम यहाँ पे आ गए हैं और इसको एक बार सेव कर लेते हैं अपनी स्टाइल जेट को, विदाउट सेव ये इफेक्ट्स नहीं दिखाता है। अभी मैंने सेव कर लिया है, और यहाँ पे देखिए ये एक अलाइनमेंट अब सेंटर पे दिख रहा है, जो हमको चाहिए था सेंटर पे वही सेम सेंटर पे दिख रहा है। अब हम इसके इनपुट को सेलेक्ट करके सेट कर लेते हैं, लाइक ये यूज़र नेम पासवर्ड कितना भद्दा दिख रहा है, तो अब इसको थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं और ब्यूटीफुल बनाते हैं यहाँ पे सेम लाइक दैट। तो अभी आप आते हैं फिर से कोडिंग पे, और यहाँ पे सर्च करते हैं अपने वही पुराने अंदाज में TT बॉक्स को ही। और TT बॉक्स को सेलेक्ट करने का मेन रीज़न ये है कि वो बेस्ट रहेगा, आप एक साथ ही सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे हम इनपुट को डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर वो बेस्ट नहीं रहता TT बॉक्स इनपुट। अब इनपुट के अंदर हमारे पास कई प्रकार के इनपुट होते, तो हम यहाँ पे टाइप दे देंगे कि इनपुट का जो टाइप है अगर वो टेस्ट है, अगर वो टेस्ट है तब वो ये क्लास उस पर अप्लाई हो, मतलब ये CSS उस पर अप्लाई हो, और कॉमा, और हम एक और TT बॉक्स लेंगे जिस पे इनपुट जो है वो क्या है, अगर उसका टाइप TYPE टाइप इज इक्वल टू क्या है, पासवर्ड है,
पासवर्ड है, अगर टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड है तब भी ये चीज अप्लाई हो उसके ऊपर, क्या अप्लाई हो कोडिंग कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने दो को सेलेक्ट कर लिया, तीसरे को क्यों लीव कर दिया, यहाँ पे यूजर नेम को सेलेक्ट कर लिया, पासवर्ड को सेलेक्ट कर लिया, पर इसको क्यों छोड़ दिया, सबमिट को क्यों छोड़ दिया, टेस्ट को सेलेक्ट कर लिया, पासवर्ड को सेलेक्ट कर लिया, टाइप टेस्ट, टाइप पासवर्ड और सबमिट को क्यों छोड़ दिया। तो अभी मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, एकदम इजीली इससे समझाता हूँ। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ और आता हूँ अपने ब्राउजर पे। सो अभी हम देखते हैं कि ये और ये इसकी स्टाइलिंग सेम लग रही है, इसका बॉर्डर कलर देखिए और ऑन हावर पे भी देखिए चेंज हो जाता है, ऑन फोकस पे और इस पे भी देखिए ऑन फोकस चेंज हो जाता है। सो इसकी दोनों की स्टाइलिंग सेम लग रही है, इसकी डिफरेंस है तो इसको हम अलग तरीके से डिज़ाइन करेंगे और इन दोनों को साथ में लेके डिज़ाइन करेंगे, जिससे हमारा CSS का जो लोड है वो कम रहेगा वेबसाइट पे और वो फास्टेस्ट लोड होगी। इसी को कहते हैं एक स्मार्ट डेवलपर, जो अपनी चीज़ों को ईजिली कर ले और अपनी लोड को कम से कम रखे और जिसकी कारण वो कभी प्रॉब्लम में ना फंसे, प्रॉब्लम में ना फंसे इन द सेंस कि वो डिज़ाइन करके दे और उसके बाद उसके जो क्लाइंट्स हैं या फिर उसके जो जिसने उनसे बनवाया था वेबसाइट, सो वो बोले कि भाई तू तो ऐसी वेबसाइट बना के दिया है कि वो बेकार है, बेकार इन द सेंस कि वो वेबसाइट लोड हो रही है 2 घंटे में और उसको चाहिए 1 घंटे में। तो फिर ऐसा मत करिए कि आप, आपको वो बताए कि भाई आपने तो जो अच्छा का अच्छा काम करके दे दिया कि दोबारा मैं आपसे नहीं करवाने वाला हूँ। सो आप जो काम करो वो काफ़ी अच्छा करो, जिससे आपको क्लाइंट दोबारा भी कॉन्टेक्ट करे। सो अभी आ चुके हैं, इसका बॉर्डर हम दे देंगे 0 और बैकग्राउंड नन कर देंगे, बैकग्राउंड नन कर देंगे और उसके बाद हम इसके डिस्प्ले को ब्लॉक कर देंगे, बैकग्राउंड नन नन, ओ लगता है मेरा कीबोर्ड ज़्यादा काम कर गया, नन एंड डिस्प्ले को ब्लॉक कर देंगे, इनलाइन नहीं करेंगे ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक। ये सब आपको अगर CSS नहीं समझ में आ रहा तो आप W3 स्कूल विजिट कर लो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा बिकॉज उसमें आपको बेसिक सीखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मार्जिन दे देंगे, इसका मार्जिन दे देंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मार्जिन क्यों दिया जाता है और पैडिंग क्यों दिया जाता है। मार्जिन दे देंगे 20px एंड लेफ्ट ऑटो दे देंगे, लेफ्ट एंड बॉटम ऑटो दे देंगे, टॉप और राइट 20px दे देंगे। अब इसको हम सेव करते हैं एंड आपको दिखाते हैं। सो अभी इस पे आइए, ये देखिए टॉप और आपको मार्जिन वगैरह से देखा ये एक अलाइनमेंट पे भी आ गया और ये अभी इसका ये जो बॉक्स है काफ़ी छोटा है तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अभी एक मिनट आते हैं इस पे एंड यहाँ पे हम टेस्ट अलाइनमेंट इसका भी सेंटर कर लेते हैं, टेस्ट अलाइनमेंट सेंटर एंड इसकी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग इसलिए देंगे हम क्योंकि इसका जो पैडिंग अंदर के साइज़ को बढ़ा देगा, आपके बॉक्स की साइज़ को बढ़ा देगा, तो 14px और 14px दे देते हैं एंड 10px बेस्ट रहेगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि डिज़ाइनिंग कैसी हुई। सो अभी देखिए एक बॉक्स बेस्ट दिख रहा है, अब इसका बॉर्डर नहीं दिख रहा तो बॉर्डर हम क्रिएट कर लेंगे, अभी बॉर्डर क्रिएट करेंगे तब दिखेगा, अभी बॉर्डर नहीं दिख रहा है। सो अभी इसका बॉर्डर ले लेते हैं, BORDER बॉर्डर। सो बॉर्डर लगभग अप्रॉक्स सभी लोग 2px ही रखते हैं, सो हम भी एक आदर्श बच्चे की तरह अपने पुराने गुरुओं को फॉलो करते हुए 2px रख देंगे। अब यहाँ पे जो कलर कोड है वो 349 है शायद, मे बी, मेरे को कलर कोड बहुत ही कम याद रहता है। सो 3498DB, हाँ यही कलर है, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करने में क्या जाता, हाँ सही है, अब इससे चेक करते हैं, हाँ बिल्कुल। अब ये बॉक्स रेक्टेंगुलर है और ये थोड़ा सा इसका बॉर्डर रेडियस जो है वो थोड़ा सा सर्कल शेप में है, अभी इसको भी सेव कर लेते हैं। और ये बेचारा अपना भी गंदा दिख रहा है क्योंकि इस पे इसके पास CSS नहीं है, तो जिसके पास CSS नहीं लग रहता उसको गंदा ही दिखता है। सभी इसका रेडियस ले लेते हैं, बॉर्डर रेडियस अप्रॉक्स 25px चल जाएगा, बॉर्डर रेडियस 24 pixels। अब इसको सेव करके एक बार चेक कर ले, एक बार चेक कर लिया करिए आप, तो देखिए लगभग लगभग ये आपका अप्रॉक्स सेम मिल रहा है, इसको देखिए और इसका डिज़ाइनिंग देखिए लगभग लगभग सेम मिल रहा है।
तो अब समझ जाइए कि आपका आधा काम हो चुका है और आधा काम बचा हुआ है। तो अभी पूरा काम नहीं हुआ तो खुश मत होइए, आप बस डिज़ाइनिंग करते रहिए और मज़ा काफ़ी आता है डिज़ाइनिंग करने में। तो अभी हम इसका बॉर्डर हो गया, तो अब इस पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट, ट्रांजेक्शन 0.25, हाँ 0.25 सेकेंड्स में हो तो अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। अब ट्रांजेक्शन्स भी दे देते हैं और आउटलाइन नन कर देते हैं, आउटलाइन एंड एनी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरी दो बार वीडियो क्लोज हो चुकी है, तो मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ कि कैमटेसिया चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चलेगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। अब इस चीज़ का बॉक्स जो है वो थोड़ा सा, इसकी विड्थ बड़ी है तो इसको विड्थ भी सेट कर लेते हैं हम, WIDTH विड्थ 240px अप्रॉक्स। मेरे को इसलिए याद है बिकॉज मैं इसके बारे में बहुत बार कोडिंग कर चुका हूँ, तो मेरे को तो स्टेप बाय स्टेप याद हो चुका है कि कौन सा क्या कैसे रहेगा। अभी मैंने विंडोज़ लिख दिया है, व्हाट अ कोइंसिडेंट विड्थ। तो अब इसको सेव करके देख लेते हैं। अरे भाई बस करो यार, तो अभी देखिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया, हाँ कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। सो यहाँ पे हम इसको 200 कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सही तो दिखे वो, हाँ आप सही दिख रहा है। अब इसके बाद हम इसके कलर को वाइट करेंगे, बिकॉज अगर हम इस पर कुछ भी टाइप करेंगे, तो ये हमको ब्लैक में दिख रहा है, ब्लैक में। सो ये हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए कि कलर वाइट रहे, वाइट रहे तो जिससे मान लीजिए हम टाइप करें तो हमको वो चीज़ दिखे, कलर वाइट। कलर वाइट करने का रीज़न ये है कि ये चीज़ें जो टाइप कर रहे हैं हम, ये चीज़ें हमको दिखें। अगर हम टाइप करते जाए दिखे ही ना तो क्या फ़ायदा। अभी देखे दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने पर। आप वाइट की जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल कोड होता है, ट्रिपल एफ। तो बस अब इसका हो गया डिज़ाइनिंग वगैरह, और तो कुछ बचा नहीं, और बचेगा भी तो बाद में मैं बता दूंगा अगर कुछ बच गया तो। ट्रिपल एफ हो गया कंप्लीट, एंड अब हम करेंगे थोड़ा सा और डिज़ाइनिंग। सो अभी देख लेते हैं हम थोड़ा सा अपना ओवरव्यू क्या कंप्लीट। अभी ये देखिए ब्लैक में है तो काफ़ी बुरा दिख रहा है मेरे को, और इसको सही कर लेते हैं एंड लॉगिन बटन सही कर लेते हैं, फिर आपका बिल्कुल बिल्कुल यही तैयार हो जाएगा। और इसका ऑन होवर पे लगा लेते हैं। सो अभी हम इसको देख लेते हैं लॉगिन बटन को, क्योंकि ये टॉप पे है तो ऊपर से ही शुरू कर लेते हैं अभी हम। सो यहाँ पे गया मैं, टीटी बॉक्स पे ही आते हैं, टीटी बॉक्स का H1 टैग की स्टाइलिंग करनी है हमको। क्या करना है इस पर, इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं पहले, फॉन्ट वेट चेंज कर देते हैं, फॉन्ट वेट 500 बेस्ट रहेगा। टेस्ट का हम इसका टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस कर देते हैं, कैपिटल में रहेगा तो बेस्ट रहेगा। एंड और क्या करना है एक बार चेक कर लेते हैं, इसका कलर शायद हम ब्लैक था, इसके कलर को हम ट्रिपल एफ कर देते हैं, हैशटैग ट्रिपल एफ, ट्रिपल एफ कर देते हैं हम। उसके बाद सेव करके चेस्ट चेक कर लेते हैं। सो अभी देखिए काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं, लाइक अप तो उसकी यहाँ पे मैंने एक लोगो लगा रखा है। सो आप इसको मैं ओपन भी करके देखा, ये देखिए लोगो लगा हुआ है। सो आप चाहें तो आप वाइट कलर का लोगो लगा लीजिए, आप या फिर लॉग इन भी लिख के काम चल सकता है, अच्छा लगता है। अब इसके बाद इसके हावर इफेक्ट को भी देख लेते हैं। हावर इफेक्ट देखना बहुत ईजी है, इसको कॉपी कर लो बस, ऊपर वाली लाइन को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आओ, एंटर मारो एंड पेस्ट कर दो, और बस यहाँ पे क्लिक कर लो, और यहाँ पे एक बटन ऐड, फोकस ऐड कर दो कि फोकस होने पर चले ये फंक्शन, और यहाँ पे भी ये जब चले तो वो फोकस होने पर चले। फोकस हो गई, अब इस पे आप डिज़ाइनिंग कर लो, फोकस होने के बाद क्या दिखे क्लाइंट्स को, टोटल आप डिज़ाइन कर सकते हो। और जो भी आपको मतलब जो भी डाउट लगता है, इन फ्यूचर भी कोई डाउट होता है, आप मेरी वीडियोस बाद में देखते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरे को डाउट है, तो आप सीधे कमेंट करना, या फिर आप मेरे को कॉल मत करना इसके लिए,
क्योंकि मेरे को कॉल बहुत ही फर्जी फर्जी चीज़ों के लिए आ जाती है, तो बहुत ही बुरा लगता है अपने को कि लोग। तो अभी ऑन फोकस हम देखते हैं कि हमको करना क्या क्या है। ऑन फोकस बस केवल दो ही चीज़ मेरे हिसाब से करनी है, एक तो इसकी विड्थ बढ़ जाती है, दूसरा इसका कलर जो है वो ग्रीन ग्रीन हो जाता है। तो अभी हम इसका विड्थ बढ़ा लेते हैं। विड्थ, अबे भाई क्या यार गंदा मजाक कर देते हो आप लोग। कितना कर दूँ, 280 या 240? 280 ही करके देखते हैं अबकी बार, क्योंकि पिछली बार तो 240 कुछ ज़्यादा ही हो गया था। 280, और उसके बाद कलर, बैकग्राउंड कलर, या बैकग्राउंड कहाँ, बॉर्डर कलर यार, बॉर्डर, बॉर्डर कलर को चेंज कर देते हैं। बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर को कर देते हैं हम 2EC, क्या था, 2EC72, 72 या 71, 71 करके देखते हैं। हाँ ग्रीन आ गया। सो अभी बॉर्डर कलर भी ग्रीन हो चुका है, तो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक हम सक्सेसफुल हुए। तो अभी देखिए ये कुछ इफेक्ट सेम इसी तरह आ चुका है, इफेक्ट इसका ये और ये। अब हमारा लॉगिन बटन बचा हुआ है, जो काफ़ी कमज़ोर फैमिली से बिलोंग करता है। आपको दिखने में भी लग रहा होगा काफ़ी कमज़ोर फैमिली से बिलोंग करता है। तो बस अब इसको मत पूछेगा कि आपने व्हाट्सएप कैसे लगा रखा है और ये चैट सपोर्ट कैसे लगा रखा है, ये सब बिल्कुल ईजी है, आप गूगल करो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अब ये लॉगिन बटन को डिज़ाइन कर लेते हैं। सो अभी फिर से आ जाते हैं वही अपना पुराना TT बॉक्स पे, और इस बार इनपुट को पकड़ेंगे, और वो इनपुट पकड़ेंगे हम टाइप दे देंगे TYPE टाइप, और उसका जो इज्क्वल रहेगा, टाइप इज्क्वल टू, यहाँ पे हम सबमिट बटन को लेंगे भाई। क्यों? क्योंकि हमको सबमिट बटन पे चाहिए चाहिए। अब सबमिट बटन की डिज़ाइनिंग करेंगे, अब थोड़ा आलसीओ वाला काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। कौन इतना टाइप करे पूरा फिर से, और वी आर आ डेवलपर तो हमको शॉर्ट में अच्छा काम करना होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको सेव करके क्या कुछ चेंजेस हुए, और ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लॉग इन बटन भी सेम हो गया। तभी थोड़ा लॉग इन बटन को कमज़ोर करते हुए, और यहाँ पे इसकी पैडिंग बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर पैडिंग कम रहेगी तो वो एकदम ही, हाँ तभी बेस्ट दिख रहा है। और इसमें ग्रीन है, और ग्रीन इसका कलर कर लेते हैं। सो अभी ग्रीन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसका कलर ग्रीन को पेस्ट कर देते हैं, एंड देन सेव इट एंड देन चेक इट। सो अभी लगभग लगभग ये लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो चुका है, बस हमारा बचा क्या है, ये लॉगिन बटन का हॉवर चेंज इफेक्ट। सो हॉवर चेंज इफेक्ट मैंने बताया बिल्कुल इजी है, इसको कॉपी कर लो उसके ऊपर वाली कमांड को। एंड यहाँ पे कमांड मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी मैं जावास्क्रिप्ट पे कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे को जावास्क्रिप्ट भी याद रहता है, फंक्शन कमांड्स। तो इस पे ऑन हॉवर चलाते हैं फंक्शन, सॉरी ऑन हॉवर CSS चलाते हैं इसकी। ऑन हॉवर पे करना क्या है हमको, कलर, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, वो भी ग्रीन करना है। बैकग्राउंड कलर, मैं इस कोड एडिटर को इसलिए यूज़ करता हूँ, बहुत ही सिंपल रहता है, बहुत ही हम लोग को कामचोर बनाता है। सो इसको यूज़ करो आप भी। सो अभी देखिए इस पर चेक कर लेते हैं, हाँ बस हो गया कंप्लीट। सो कितना सिंपल था, आप भी बना सकते हो, बहुत इजी होता है। CSS और HTML बहुत इजी होते हैं, आप थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करो, और आपको अगर मतलब होस्टिंग वोस्टिंग लेनी है थोड़ा प्रमोशन भी कर लें, वीडियो बनाने का थोड़ा फ़ायदा भी उठा लें। सो ये रही वेबसाइट prohosty.com, यहाँ से आप होस्टिंग वगैरह बाय कर सकते हो। अगर आपको कोई इस तरह की डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग की हेल्प चाहिए तो हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम डेवलपर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि हम खुद से ही परेशान रहते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।